ऑफ यू। पिछले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आप उनकी जो फॉर्मूला देख सकते हो उनको पेज टर्न करके, ठीक है। जो पिछला आपने काम किया हुआ मेहनत से उसको देखते रहो साथ साथ में, आपको पता चलता है कि क्या लिंक है। जो हमने कल क्वेश्चन किया था और आज के क्वेश्चन के साथ उसका क्या रिलेशन है, क्या लिंक है। ओके, वी आर डूइंग न्यू क्वेश्चन बट दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा वैरायटी होती है यू नो, ठीक है। लेकिन पूछने का मेथड, वर्डिंग, उसकी नंबर्स डिफरेंट होते हैं, वर्डिंग डिफरेंट होती है, बट फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, राइट। चलो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉड्यूल टू। फर्स्ट ऑफ ऑल, असर्शन रीजन, हाथ खड़े करो किन किन के पास पहुंच गया है मॉड्यूल। हु कैन सी द क्वेश्चन इन मॉड्यूल, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ई को मिल गया। बी सेक्शन, हैव यू गॉट इट? नो no. ओके, कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगा। जी सेक्शन बेटा, मॉड्यूल मिल गया आपको? जी सेक्शन, सी सेक्शन, यस ओके गुड। एफ ऑल्सो वी हैव गॉट इट। ए ऑल्सो, ए हैव यू गॉट इट बेटा? ए सेक्शन, मॉड्यूल मिल गया आपको? यस और नो, माइक कहाँ है आपका? ए सेक्शन, योर माइक इज वर्किंग? मैम यस ओके बेटा, ओके। या बी सेक्शन इज ऑल्सो गेटिंग इट, बी को भी मिल रहा है। असर्शन रीजन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, क्वेश्चन नंबर वन। एक्सक्यूज बेटा मी मैम, इस सेक्शन को मॉड्यूल नहीं मिला अभी। ए को नहीं मिला अभी, इट्स ओके, अभी आ रहा होगा आपके पास बेटा, बाकी सबको मिल गया, यू विल गेट इट सून। कोई बात नहीं, मैं ओरल बोल रही हूँ, तब तक लिसन टू मी केयरफुली। मैम जी सेक्शन को भी मॉड्यूल नहीं मिला। मैम ओके ओके, अभी मिल जाएगा आपको। सी में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनको मिल चुका है वो ए मॉड्यूल वन के क्वेश्चन रिवाइज करो क्विकली। रजिस्टर में आपने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, उनको मैच करो, रिवाइज करो, सो दैट यू कैन टेल मी। मॉड्यूल टू में सेम क्वेश्चंस होने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ के ही करूंगी ये क्वेश्चंस। ओके, यस, वेरी गुड। एफ सेक्शन, सी सेक्शन, बी हैज ऑल्सो गॉट। मॉड्यूल वन के क्वेश्चन रिवाइज कर लो, आंसर्स लिखे हुए हैं, पेज टर्न करो, पीछे मैच करो किस क्वेश्चन का क्या आंसर था। जल्दी से आप पांच क्वेश्चन तो कर ही सकते हो जब तक बाकियों को मॉड्यूल मिलता है। हरी आप, यू कैन रिवाइज योर फाइव क्वेश्चन इन दिस टाइम। यस, जी इज गेटिंग। अभी क्वेश्चंस आपके बहुत फास्ट होने वाले हैं, आपको बहुत समझ आ चुकी है। आई विल बी आस्किंग यू, देन वी विल डू। यस, सी हैज ऑल्सो गॉट। सी सेक्शन में, यस, थोड़ा सा फास्ट करो बेटे, एक दूसरे को देते जाओ फटाफट हेल्प हिम। जो बच्चा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको थोड़ी हेल्प करो। गुड गुड, वेरी गुड, ही हैज ऑल्सो गॉट। नाउ इट इज फाइन, है ना, नाउ एवरीबडी हैज गॉट। ए को भी मिल गया। जिनको मिल रहा है ना वो इधर उधर देख रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग द अपॉर्चुनिटी कि चलो हमें मिल चुके हैं, हम फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एसर्शन रीजन की मॉड्यूल टू के आंसर लिखना शुरू करो एवरीबडी, यू नो इट। आई विल कॉल द नेम। जिनको मॉड्यूल मिल गया है, असर्शन रीजन के लिए स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर लिखना शुरू करो। ऑप्शंस ए बी सी डी आपको पता है, सब लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम स्पीकिंग ओरली,
First is if for two quantities x and y, the product xy is equal to k, then they are said to be in inverse proportion. Eight, C section, Arch Preet. C section, Arch Preet, आ गया हो? मॉड्यूल लेके आओ अपना. एसर्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ फॉर टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई द प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू के. के का मतलब कांस्टेंट, तो फिर वो इनवर्स में होंगे. इज दिस ट्रू? यस यस, दिस इज ट्रू. एसर्शन इज ट्रू. हमें पता है इसका रिलेशन, रीजन. टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई. ओके, गो बैक बेटा, गो एंड सेट, बैठो अपनी सीट पे. मैं स्लोली पढ़ रही हूँ स्टेटमेंट, आप भी स्लोली पढ़ो और उसको ग्रास्प करो. आपको सबको याद आएगा हमने क्या क्या पढ़ा था पिछले दिनों में. टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेट टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन इफ एन इंक्रीज इन एक्स कॉजेज अ प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन वाई. प्रोपोर्शनल वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइस वर्सा. आपने पढ़ा है इनवर्स में कि एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है इन सच अ मैनर दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन कॉन्स्टेंट. कौन कहते हैं कि ये ट्रू है? रेज योर हैंड, पढ़ लो. आप भी पढ़ लो एक बार दोबारा इसको. ओके, यस, सी सेक्शन में हाथ खड़े हो रहे हैं. यस, सी सेक्शन, वेरी गुड वेरी गुड. जिन्होंने स्टेटमेंट खुद पढ़ी है उनको जल्दी समझ आ रहा है. यस, ए सेक्शन, कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ. व्हाट्स द मैटर बेटा? ए सेक्शन, क्या डाउट लग रहे हैं आपको? आपको पता है कि जब एक्स एंड वाई आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, इनवर्स बोलो या बिल्कुल इनडायरेक्ट बोलो, एक ही बात है. कभी कभी आप पढ़ोगे कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कभी कभी आप पढ़ोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कभी आप पढ़ोगे इनवर्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. सबको सेम मीनिंग है. ओके, तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड बोथ आर रिलेटेड. तो आपकी ऑप्शन आ रही है ए. किसी को कोई डाउट है कि ये कैसे आया, ट्रू कैसे हुआ? यू कैन कम फॉरवर्ड एंड आस्क मी द डाउट. किसी को कोई डाउट है? ओके, हाथ खड़ा करो. किस किस को समझ आ गई है ये फर्स्ट क्वेश्चन कि ये ऑप्शन आई है और क्यों आई है? वेरी गुड वेरी गुड. कई बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे. जी जी सेक्शन, किसी का हाथ पर नहीं खड़ा हुआ है. व्हाट्स द मैटर? या तो खड़े होकर डाउट पूछो या फिर हाथ खड़ा करो कि यस वी हैव अंडरस्टूड. दैट्स गुड, बी एक्टिव. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, असर्शन. When two quantities are in inverse proportion, they are written as x proportional to y. क्या वो ऐसे लिखे जाते हैं जब वो इनवर्स में होते हैं? नो नो, दिस इज फॉल्स. उनका कैसे लिखा जाता है? इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी? मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ. अगर आपने इसको उल्टा लिखना है, इनवर्स में लिखना है, तो वो ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, इनवर्स का मतलब होता है कि उसका रेसिप्रोकल. प्लीज इसको लिख लो अपनी नॉलेज के लिए. ये फॉल्स क्यों है? ये एक्स और वाई जब भी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में उनका रिलेशन होगा, दे विल बी रिटन एज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर हमेशा. ठीक है, आपको उसके साइन की रिकग्नाइज करना भी आना चाहिए. ये चीजें आपके साइंस में भी यूज होती हैं एंड साइंस एंड मैथ आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर, है ना? ओके, सो दिस इज फॉर रीजन. व्हेन टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, दे आर रिटन एज एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/y. दैट इज फॉर. आपको पता है कि सॉरी, दिस इज ट्रू, रीजन इज ट्रू.
अभी अभी हमने बताया कि दोनों आपस में रेसिप्रोकल होंगे, तो इसलिए ओके तो 9th सॉरी 8th डी सेक्शन बेटा वंश आ गया हो जल्दी से मैम फास्ट। हाँ जी बेटे एनी डाउट? नो ही इज एब्सेंट ही इज एब्सेंट ओके वंश इज एब्सेंट ओके डी सेक्शन बेटा जसलीन जसलीन यस टेल मी व्हाट वुड बी द ऑप्शन बेटा इसकी असर्शन रीजन सेकंड की मैम सी ऑप्शन डी ऑप्शन फॉल्स एंड ट्रू मैम डी ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन असर्शन जितना स्लो मैं पढ़ रही हूँ आपने भी साथ साथ अपने माइंड में बोलना है लिपसिंग करनी है अगर अच्छे से समझना है तो रीजन सॉरी असर्शन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टू कंप्लीट अ जॉब इन अ इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन ट्रू दिस इज ट्रू। हाथ खड़े करो अभी मुझे सिर्फ एक ही आवाज आई ना हु हैव अंडरस्टूड। हमने बहुत क्वेश्चन किए इसके वर्क डन एंड टाइम के जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उतना कम टाइम लगेगा वेरी गुड हैंड्स डाउन सो दिस इज ट्रू। थर्ड क्वेश्चन असर्शन इज ट्रू ठीक है इसके ऊपर हमने काफी एक्सप्लेनेशन की हुई है पहले हम क्वेश्चंस भी किए इससे रिलेटेड रीजन इफ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस वन आर ऑल्सो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ट्रू और दिस इज फॉल्स हु सेड फॉल्स रीजन बताओ इसका प्रॉम्प्ट आंसर अभी किसी बच्चे ने दिया ना कि यस फॉल्स मैम मतलब क्योंकि अगर 1 माइनस कर देंगे तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के टाइम वो कट नहीं हो पाएगी ऑफकोर्स डायरेक्ट की आपको कंडीशन पता है कि उनका फ्रैक्शन सेम होना चाहिए एक्स बाय वाई आप एक्स वन बाय वाई वन जो भी निकालोगे मान लो आपने 2/3 निकाला तो एक्स टू बाय वाई थ्री भी वही सेम आना चाहिए नहीं तो आपका वो जो होगा सॉरी वाई टू सेम आनी चाहिए उनकी रेशियो हम कहते हैं ना इज इक्वल टू के होना चाहिए के का मतलब कॉन्स्टेंट होनी चाहिए वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए बट इस केस में तो जब आप माइनस करोगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी क्योंकि आपने डिक्रीज कर दिया ठीक है सो दे आर नॉट इन डायरेक्ट तो इट विल बी फॉल्स ऑप्शन आपकी आएगी सी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स आई टोल्ड यू यस्टरडे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 ब्लैंक होंगे तो 4 नंबर का आएगा क्वेश्चन 3 ब्लैंक होंगे तो 3 मार्क्स का आएगा ओके और आपको कंडीशन दी होगी इसमें कि हमारा ये डायरेक्ट में क्वेश्चन है या फिर इनवर्स में ओके क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सब्जेक्टिव आपको इसमें दिख रहा है कि इट इज नोन रीड द क्वेश्चन इट इज नोन दैट फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस द वॉल्यूम वी वेरियस इनवर्सली एज द प्रेशर पी आपने साइंस में पढ़ा होगा वॉल्यूम एंड प्रेशर के बारे में ठीक है जितना वॉल्यूम कम होता जाएगा प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा पढ़ा है आपने साइंस में आपको जो बैलून होता है उसको जब एयर फिल करते हो जरूरत से ज्यादा उसमें एयर फिल कर दोगे तो प्रेशर से वो फट जाएगा इतना ज्यादा उसके अंदर प्रेशर हो जाएगा कि वो बैलून ब्लास्ट हो जाएगा इज इट डू यू अंडरस्टैंड कि यस मैम वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ज्यादा करोगे उसमें तो उसमें प्रेशर जो है वो सॉरी प्रेशर ज्यादा करोगे तो ज्यादा करोगे कम वॉल्यूम में तो उल्टा हो जाएगा ठीक है तो इसमें आपको मिसिंग वैल्यूज निकालनी है डोंट वरी इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला वॉल्यूम प्रेशर का सिर्फ हमने ये देखना है कि वो इनवर्सली है या फिर डायरेक्टली है तो आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक्स है इसमें
और एक कॉलम में आपको दोनों वैल्यू दी हुई है, वी की वैल्यू भी दी हुई है, पी की वैल्यू भी दी हुई है। आई एम राइटिंग दैट हियर, ठीक है। 60 दी हुई है वी और पी आपको दिया हुआ है 3/2, दिख रहे सबको? दिस वैल्यू इज गिवन टू यू। इस वैल्यू को यूज करते हुए बाकी सारे ब्लैंक्स निकालो, ठीक है। पहले तो यहाँ पे रीजन अपना जो नोटबुक में आप लिख रहे हो, आप लिखो बीपी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बीपी हमने क्यों लिखा है? एक्स वाई की जगह हमने लिखा है बिकॉज एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हम फॉर्मूला में लिखते हैं एक्स एंड वाई। अभी हम बीपी की बात कर रहे हैं, वी इज वॉल्यूम, पी इज प्रेशर। हमें ये पता है कि अगर वो इन्वर्स होंगे तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो जो हमें वैल्यू दी हुई है उसको हम देखते हैं उनका प्रोडक्ट क्या बनता है। 60 × 3/2, लेट अस सी कितना आ रहा है। प्रोडक्ट निकालो इसका। उनका प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट आना चाहिए, राइट। 30 इट विल बी 90। आपको ये पता चल गया कि हमारे पास सबका प्रोडक्ट 90 आना चाहिए, तब वो आपस में इनवर्स होंगे। ये क्वेश्चन समझ आया सबको बेटा कि मिसिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं? ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज करती हूँ क्वेश्चन, ओके, ध्यान से सुनो। कल जो हमने मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन किया था उसमें मैंने बताया था कि एक्स एंड वाई आपस में डायरेक्ट रिलेशन में, ठीक है। तो आपने उनकी फ्रैक्शन निकाला था कि वो कांस्टेंट है। आज हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम और प्रेशर की। दे आर सेइंग इट इज नोन फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम वी वेरियस इनवर्सली एज प्रेशर पी। ये उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है। जब गिवन है हमें तो इसका मतलब है कि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। ये तो चीज पता है ना आपको। जिस जिसको पता है हाथ खड़े करो, जिसको पता है कि हाँ इनवर्स में है तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। प्लीज हाथ खड़ा करो। फॉर्मूला सबको पता है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी जो हमने मिसिंग वैल्यूज निकालनी है उसमें तो हम प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं दोनों वैल्यूज क्या है। जो वैल्यू हमें गिवन है 60 और 3/2 की, उसको हमने प्रोडक्ट करके देखिए कितना आ रहा है, तो उतना ही सबका आना चाहिए, राइट। अभी जैसे आपको फर्स्ट ब्लैंक है, आई एम राइटिंग हियर V1, दिस इज P1। V1 है आपके पास डैश एंड P1 आपके पास है 2, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इसको? V × 2 इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए, क्योंकि हमने जो गिवन वैल्यू थी वहां से गेस कर लिया कि हमारा प्रोडक्ट 90 होना चाहिए और वो इनवर्स में है तो सबका प्रोडक्ट 90 होना चाहिए, दैट इज मस्ट। अगर वो 90 के इक्वल नहीं होगा तो वो इनवर्स में नहीं होगा फिर, ओके। तो आप खुद लिख सकते हो इसको। तो वी की वैल्यू निकालो, यहाँ से कितनी आएगी? 90/2 इज इक्वल टू 45। 45। तो आपके फर्स्ट ब्लैंक में आ गया 45। V1 आपके पास आ गया 45। यू कैन राइट इट देयर इन द टेबल। अपने रजिस्टर में इसको सॉल्व करके लिखो, दो स्टेप बैंक में भर लिया और काम खत्म हो गया। यू शुड नो हाउ इट हैज कम। यस, नेक्स्ट कॉलम में आपके पास P की वैल्यू ब्लैंक है, प्लीज फाइंड इट। करना शुरू करो इसको। नेक्स्ट कॉलम में आपके पास V2 इज इक्वल टू 48 एंड P2 वी हैव टू फाइंड आउट। एवरीबॉडी डू, इन दोनों का प्रोडक्ट 90 है, आपको पता है। फ्रैक्शन में आ रहा है तो कोई बात नहीं, वी कैन राइट इन फ्रैक्शन आल्सो, नो प्रॉब्लम। 15/8 लेट मी कॉल द नेम्स, किस किसने कर लिया ये। बी सेक्शन, महक, बी सेक्शन महक बेटे आगे आओ।
48 into dash is equal to, you are doing 48 into dash is equal to 90. वहां पे डैश मतलब पी टू आपके पास अनोन है ना, तो पी टू की वैल्यू क्या आएगी? आपने निकाला नहीं शायद था ना? नो मैम, इट्स ओके, जाओ करो इसको. ए सेक्शन बोनेट संधू बाकी करते रहो. आई कैन कॉल एनी वन, डोंट वेट फॉर माई आंसर. बोनेट हैव यू डन? नेम 15 बाई 8. 15 बाय 8, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है. 90 बाय 48 आपने लिखा है, इसको लोएस्ट हमने करके किया 15 बाय 8, दिस इज अ गुड आंसर. बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड, गो बाय. और किसने किया 15 बाय 8? किस किस का आ रहा है? वेरी गुड. थर्ड वन, थर्ड वन वॉज गिवन, हम उसको नहीं निकालेंगे. बी थ्री भी पता था आपको, पी थ्री भी पता था. ओके, सो वी आर फाइंडिंग नेक्स्ट बी फोर एंड बी फोर वी आर फाइंडिंग. अब आपको पता चल चुका है, राइटिंग द आंसर इज बी फोर इज 90, फिर बच्चों ने निकाल भी लिया है. देन इट इज पी फाइव, पी फाइव इज अनोन टू यू, 100 दिया हुआ है, तो कितना आना चाहिए? 9/10. 9/10, बिल्कुल ठीक है. जिनको समझ आ गई कि हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सी अननोन वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, रेशो हैंड, जिससे उसको समझ आ गई है, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप डूइंग, कीप डूइंग, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. मिसिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट हमें पता है, वेरी गुड. नेक्स्ट वन बी सिक्स वी हैव टू फाइंड आउट, इट विल बी 180. बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन ठीक होनी बहुत जरूरी है, उसी के मार्क्स मिलने हैं आपको. वेरी गुड. जो बच्चे अभी पिछला कर रहे हैं, वी थ्री वी फोर वी पी फाइव निकाल रहे हैं, वो करते रहो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कि मैंने जो किया है वो मैम से मेरा आंसर मिल रहा है. ठीक है, भागना नहीं है कि अच्छा उसने पी सिक्स बता दिया, अभी वी सिक्स बता दिया, उसको छोड़ के आगे आगे करते रहे. कीप डूइंग इन सीरीज, ऑर्डर में करते रहो अपना आंसर. बी कॉन्फिडेंट इन दैट की अपना आंसर मैच करो करके. आई एम वेटिंग फॉर यू. लास्ट वन आपका जो है दैट इज पी सेवन, पी सेवन वी हैव टू फाइंड आउट, दिस इज 9/20. 9/20. मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी आपको बताया था, आज दोबारा बता रही हूँ. सच क्वेश्चन दे कम इन एग्जाम, डेफिनेटली एक क्वेश्चन पक्का आता है इसका. आप कहीं भी पेपर देखो ये इसका मिसिंग वैल्यू, चाहे वो डायरेक्ट में हो चाहे इनडायरेक्ट में हो, इट कैन कम. यस, वेरी गुड. फिल द टेबल कंप्लीटली, और टेबल में ये नहीं कि मॉड्यूल में गलती गलती राइटिंग में लिख लिया, अपना प्रॉपर सॉल्व करो नोटबुक में. बल्कि मॉड्यूल को अपना नीट एंड क्लीन रखो बाद में रिवाइज करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सिंपल मैच. अभी कई बच्चे कर रहे हैं, रेज योर हैंड हु आर स्टिल डूइंग, और जिनका हो गया है हाथ खड़ा करो, जिन्होंने सारे निकाल लिए, पी सेवन पी सिक्स सब कुछ निकाल लिया. चलो वेरी गुड बेटा, लेट्स गो अहेड. Match each of the entries in column 1 with the appropriate entry in column 2. दोनों को मैचिंग करनी है हमने. आपको जहां भी लगेगा कि वो मीनिंगफुल है उसको मैच करो. एक अभी मैं बुलाने वाली हूँ ए सेक्शन से, हरी आप. फर्स्ट है एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली टू ईच अदर. बैठ के आंसर नहीं बताओगे, नोबडी विल स्पीक. मैच करो फर्स्ट के साथ, क्या मैच करेगा? ए सेक्शन
अमोल प्रीत सिंह, अनमोल प्रीत, या एक्स एंड वाई वेरी, इसको वी कर लो बेटा, डब्ल्यू को वी बना लो। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, फर्स्ट की है सी ऑप्शन, यस। क्वेश्चन नंबर वन इज मैचिंग टू सी, वेरी गुड। सबने देख लिया होगा अब तक, सबको पता चल गया। हम साइन लगाते हैं इसका, और जब भी होता है कि साइन भी इसमें लिखे हुए हैं, आपको पता चल रहा है बेटा, प्रोपोर्शनल का साइन ना, भी मैच करना है। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कब होता है? जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सेकेंड इज एट बी सेक्शन, एट ई सेक्शन, ई से मैंने अभी किसी को नहीं बुलाया, गुरजोत, एट ई, टेल मी आंसर ऑफ सेकेंड, वेरी गुड। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन ऑफ क्वांटिटीज पी एंड क्यू। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि कौन सा साइन लगाते हो? ऑप्शन डी, सेकंड क्वेश्चन, डी ऑप्शन, यस। इनवर्सली में रेसिप्रोकल होता है, आपको पता है, और डायरेक्ट में दोनों सेम होते हैं। ओके, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई। थर्ड क्वेश्चन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन ऑफ क्वांटिटीज एम एंड एन। जसप्रीत, एट एफ सेक्शन, फास्ट आगे आते रहो, वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, सी मैम जी ऑप्शन। ऑप्शन, वेरी गुड। इफ यू आर टेलिंग आंसर योर सेल्फ ऑल ऑफ यू, इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 2.5। जल्दी से इसको करना शुरू कर दो, कैलकुलेशन है इसके अंदर, आपको रफ भी करनी पड़ेगी। वाई इज इक्वल टू 2.5, एंड सेकेंड दे आर सेइंग व्हेन वाई इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 10, राइट? तो इनका क्या रिलेशन होगा आपस में, जल्दी से चेक कर लो। ये आपको उसको अपने आप इसको ना x1 y1, x2 y2 लिख लो, अपने आप इसको लिख लो, ताकि आपको पता चले कि x1 और y1 एक मतलब ग्रुप है, और x1 y1 अलग से है। ओके, अब आपको पता है कि पूरे के पूरे चैप्टर में कभी वो डायरेक्ट है, कभी वो इनडायरेक्ट है, तो उनके मैच कर लो, आप फटाफट से कैलकुलेशन करके करो कि क्या x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 है, या फिर x1 by y1 इज इक्वल टू x2 y2 है। कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है इसके अंदर, ये जो हमें वैल्यू देंगे, प्लीज इसको चेक करो क्या होना चाहिए दोनों में से। डायरेक्ट प्रपोजिशन प्रोडक्ट होगा तो हम बोलेंगे कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, अगर उनकी रेशियो सेम आएगी, फ्रैक्शन सेम आएगा, तो हम बोलेंगे वो डायरेक्ट है। एवरीबडी चेक इट। क्वेश्चन में देखो बेटा, थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि आपको एक्स वाई दिया हुआ है, उसको अपने आप अपनी नॉलेज के लिए x1 y1, x2 y2 खुद लिख लो। पहला जो पेयर आपको दिया है उसमें 5 and 2.5 है, दूसरे पेयर में आपको दिया हुआ है 10 and 5। एवरीबडी डू इट, आई एम गोइंग टू कॉल यू, चेक करो कि कौन सी आएगी, ये आएगी या ये दोनों इक्वल होंगे। वैल्यूज पुट करके चेक करो। सेकंड ऑप्शन। सेक्शन, गुरप्रीत, मैम विच सेक्शन? जी, गुरप्रीत आ गया हूं।
हाँ जी, आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है बेटा, कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है इसमें, ये वाला ऊपर वाला या नीचे वाला? डायरेक्ट मैम डायरेक्ट। हो रहा है, यू कैन सी इनकी जो रेशियो है वो सेम आ रही है, सबका आ रहा है रेशियो एंड अपॉन करके, अगर आपने कैलकुलेट किया, वेरी गुड बेटा, दिस इज डायरेक्ट। ठीक है, तो आपकी कौन सी ऑप्शन आ रही है इसके अंदर, फोर्थ वाली किससे मैच करोगे? एफ, फोर्थ वाली आपकी एफ से मैच हो रही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में, अलग से क्वेश्चन आते हैं, ये तो अभी मैचिंग में आ गया बाय चांस। इंपॉर्टेंट मार्केट आपको चेक करना आएगा कि ये जो दो वैल्यूज मैंने दिए हैं, दो पेयर जो आपको दिए हुए हैं, वो आपस में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट में कर रहे हैं या फिर इनवर्स में कर रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, आपको चेक करना, उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, पूरे चैप्टर में सिर्फ दो फॉर्मूलाज आपके यूज हो रहे हैं, तो दोनों में से चेक करना है कि पहला लग रहा है या दूसरा लग रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, फिर से फिफ्थ क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है, प्लीज उनको चेक करो। फिर से दोबारा सेम क्वेश्चन है, दिस इज इम्पोर्टेंट आई टोल्ड यू, रिवर्स प्रोपोर्शन। लेट मी आस्क अदर चिल्ड्रन ऑल्सो, जेसिका एट है, लेट एवरीबडी डू बेटा। जेसिका आप करो क्वेश्चन अगर कर रही हो, एंड कमेंट कम फॉरवर्ड एंड टेल मी द आंसर। ठीक एम है ऑप्शन बी। जेसिका, आपने बताया एम क्वेश्चन, बेटा आपने मेरे को ये बताओ कि इनवर्स में है या फिर डायरेक्ट में है, पहले तो ये बता दो। मैम एच पार्ट, यस, एच पार्ट में क्लियरली लिखा हुआ है ना कि दे आर इनवर्स टू ईच अदर, फिफ्थ इज मैचिंग टू एच, वेरी गुड। अगेन लिखो इसको, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सिक्स क्वेश्चन, एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर, डी सेक्शन वंश, एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर, सिक्स, अब तो थोड़े से रह गए आपके, दो तीन रह गए हैं बस, यू विल कम टू नो ऑप्शंस, क्विकली मैच कर सकते हो। वंश किसके साथ मैच कर रहे हो बेटा? ए ऑप्शन। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आपको पता है उनका जो रेशियो होता है एक्स अपॉन वाई वो कांस्टेंट होता है जब वो डायरेक्ट में होते हैं। सेवन, इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली देन ऑन डिक्रीजिंग एक्स, बी ऑप्शन। एक्स डिक्रीज हो रहे तो वाई क्या होगा, इंक्रीज, बी ऑप्शन, 70B, बहुत क्लियरली आपको पता चल रहा है। नेक्स्ट इज, इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली देन ऑन डिक्रीजिंग एक्स, वाई विल आल्सो डिक्रीज, पता है ना आपको, एक्स डिक्रीज करेगा तो वाई भी डिक्रीज करेगा, क्या आपकी लास्ट ऑप्शन है ई? आपकी पूरी की पूरी नॉलेज पूरे चैप्टर की इस क्वेश्चन में आ गई है, मैचिंग से आपको पूरा क्वेश्चन रिवाइज हो गया, कौन सा फॉर्मूला कब लगाते हो। ओके, किसी को डाउट है बेटा इसमें? वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैचिंग करने वाला क्वेश्चन सबको बहुत इजी लगता है, क्योंकि सामने आंसर्स लिखे होते हैं और आपको मैच करना होता है कि फटाफट पता चल जाता है कि ये ऑप्शन है या वो ऑप्शन है, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है यू कैन मेक इट करेक्ट। आई थिंक इतना ही है ना इसके मैचिंग वाले, इट इज ओवर ऑल द पार्ट्स। ओके, अगर आपकी वर्कशीट में और लिखे हुए यू कैन कट देम, और है इसके बाद आपके पास? नो।
तो है ना, इट इज ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके मॉड्यूल में बेटा, फेस करनी। मॉड्यूल 2 फिनिश हो गया यहाँ पे। नो अच्छा फिनिश हो गया ना, एमसीक्यू नहीं है यहाँ पे, चलो no. इट्स ओके। ठीक है, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ प्रॉपर क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके गुड फॉर योर प्रैक्टिस। पहले तो हाथ खड़ा करो कि इनको समझ आ गया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम क्या करते हैं। हाथ खड़े करो जिनको कॉन्फिडेंट है कि हमें पता है कि डायरेक्ट में ये चीज होती है, चाहे हम उसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखें चाहे फॉर्मूला की फॉर्म में लिखें। गुड, आप बताओ बेटा, एक सी सेक्शन है, फर्स्ट चाइल्ड इज रेजिंग हिज हैंड। यस, बता दो जल्दी से, व्हाट यू हैव लर्न इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आपको क्या क्या समझ आई है अभी तक बता दो। बाकी बच्चे ध्यान से सुनो, आई कैन कॉल एनी वन इसके बाद। हाथ खड़ा किया था, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग हिम। एवरीबॉडी लिसन टू हिम केयरफुली, आई कैन कॉल अदर्स आल्सो। हां जी बेटे बताओ, कब, वेरी क्या कंडीशन होती है उसकी, कैसे पता चलेगा कि वेरी कर रहे हैं डायरेक्टली। एक्स इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाई वाई ऑल्सो इंक्रीजिंग। यस वेरी गुड, और अपने पार्टनर को बोलो अभी वो बताएगा, ही आल्सो रेज हिज हैंड ना। हाँ जी, उसके आगे और बताओ। उसने बोला कि जब एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होता है, इसलिए वो डायरेक्ट में होते हैं। आप बताओ कुछ और वर्ड में आप बताना चाहते हो तो। जैसे एक्स इंक्रीजेस वाई ऑल्सो डिक्रीजेस। x decreases y also decreases, all right. Now, A section, Dilpreet Singh, आ गया हूँ। एब्सेंट ओके, B section, आकाश, आकाश ओके कम टू द माइक। आपको पता चल गया, उसने अभी बताया कि दोनों वैल्यूज या तो डिक्रीज करेंगे या फिर दोनों इंक्रीज करेंगे। पता चल गया आपको, आपको पता था पहले से भी है ना, हमने बहुत बार यूज किए, तो इसमें फॉर्मूला क्या यूज करोगे। अगर आपको ये पता चल गया कि दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो अभी हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मिसिंग वैल्यू निकालनी है हमें। आपको ये पता चल गया कि एक्स और वाई डायरेक्ट में है, ये चीज आपको पता चल गई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, उसके बाद आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या लगाते हो इसके अंदर। और जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ना हमने। X1 Y2 1 X2 Y2 क्या उनका क्या प्रोडक्ट या फिर रेशियो, क्या चीज, प्रोडक्ट। को एंड डिवाइड इट। बैठो सीट पे बैठो, नोटबुक खोल के देखो जरा, जो चीज आपने नोटबुक में लिखी है उसको रिवाइज करो एक बार कि हमने क्या लिखा था। सी सेक्शन, अनीश, अनीश आ गया। हाँ जी बेटे, इसको फॉर्मूला बताओगे, जब डायरेक्ट में होते हैं तो हम क्या करते हैं। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पहले हम क्या लिखते हैं उनका, क्या चीज देखते हैं कि कांस्टेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट या फिर रेशियो। रेशो। रेशियो, आर यू कॉन्फिडेंट, एक्स वन बाय वाई वन शुड बी इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू, ये होना चाहिए इज इक्वल टू
कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपको कांस्टेंट चीज नहीं भी समझ आती ना, आप बस इतना याद रखो कि वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ओके गुड बेटा, गुड, सिट डाउन। इसमें से एक चीज मिसिंग होती है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनवर्स प्रोपोर्शन? जब आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है ना बेटा, आपकी समरी बन जाती है पूरे चैप्टर की। जो जिस्ट हो गया उसका, जिस्ट मतलब उसका आपने कंक्लूजन निकाल रहे पूरे चैप्टर का। इतने क्वेश्चन हमने किए, इतने फॉर्मूला जो है हमने यूज किया उसको, फॉर्मूला को बार बार, कभी क्वेश्चन ऐसे पढ़ा, कभी वैसे पढ़ा, कभी मिसिंग वैल्यू निकाली, कभी मैचिंग किया, कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। अब उससे कंक्लूजन क्या निकला, वो चीज अभी हम लिख रहे हैं। पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, राइट? जी सेक्शन, अभिनूर, मैम ओके, दिशांत, जी सेक्शन। पहले तो मेरे को कंडीशन बताओ, आपको कैसे पता चलता है कि दोनों वैल्यूज इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं? एब्सेंट, रीजन फॉल्स। लिसन टू माय क्वेश्चन। एक चीज मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, जो हम हर एक क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, और मैं अभी इजी वर्ड में आपको एक चीज ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये पता है कि जब भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स की प्रोपोर्शन की बात करते हैं, हमारी चीजें जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करती है। X1 Y1 एक पेयर होता है जिसके बारे में हम सोचते हैं, और X2 Y2 एक सेपरेट पेयर होता है जिसके बारे में हम सोचते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपने देखा है कि पेयर में हम चीजों को रिलेट करते हैं आपस में, कि एक पेयर का दूसरे पेयर के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, अब आपको जो स्टेटमेंट आई है कोई भी, कि चलो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको इतनी तनख्वाह मिलती है, या फिर आपने जितना लैंड है उसके आपको कितनी प्रोडक्शन हुई क्रॉप्स की, है ना, कितने टाइप के हमने क्वेश्चंस किए बहुत बार। एवरीडे वी आर यूजिंग द वर्ड इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होना चाहिए उनका फॉर्मूला? नहीं, मैं आपसे पूछ रही, मेरे को ये बताओ कि आपको वो स्टेटमेंट से कैसे पता चलेगा कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है? व्हाट डू यू से? लिसन टू इट केयरफुली, जो भी नेक्स्ट बच्चा मेरे को बताएगा। बी सेक्शन, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट बेंच पे, यस यस। मैम। हाँ जी बेटा, कैसे पता चलता है कि इनवर्स में है? स्टेटमेंट को पढ़ के मैम, इफ एक्स इंक्रीजेस द वाई डिक्रीजेस। चीज इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है, एक चीज इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है। एरो याद रखना है बस आपने, क्या मुश्किल है इसके अंदर? सेम हियर, इसमें हम एरो कैसे डालेंगे, या तो दोनों ऐसे या फिर दोनों ऐसे, हमारे पेयर जो होते हैं वो ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। इसमें पेयर का बनेगा, एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। अब एक का मतलब या तो वो एक्स या फिर वाई, कुछ भी हो सकता है। ये पूरे चैप्टर की समरी है आपकी। अगर आप पिछले 10 पेज आपने नहीं भी पढ़ोगे, आपको आज ही ये 2 सेंटेंसेस से पता चल जाएगा हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। ओके, दिस इज गुड। द बॉय हु केम अर्लियर, जो पहले कौन आया था? अगेन वापस का इधर आओ बेटा माइक के पास, जिसने मेरे को आंसर नहीं बताया था। आपने सुना अभी इसने क्या बोला बेटा? इसने क्या बताया कि इनवर्स प्रोपोर्शन की कैसे पहचान होगी आपको? हाँ जी एक्स बताओ फिर, आप रिपीट भी। इंक्रीजेस वाई डिक्रीजेस। बाय डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या है? मतलब बताओ अभी, है ना, खुद आंसर तो उसने बता दिया आपको, हिंदी में बता दो, कोई बात नहीं।
एक चीज इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई हो, उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे दोनों। समझ तो आ गया आपको? हाथ खड़ा करो। हैव यू अंडरस्टूड? गुड। आपको फॉर्मूला याद है इनवर्स में हमने क्या फॉर्मूला लगाया था? फिर यस, बताओ। एक्स वन मल्टीप्लाई वाई वन वेरी गुड। इक्वल एक्स वाई। इक्वल एक्स वेरी गुड। उनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होना चाहिए। वेरी गुड। सिट डाउन। अब ये जो के हम साथ में लिखते हैं, के को नहीं भी याद रखोगे तो इट इज ओके। इसका मतलब है कि दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों की सेम वैल्यू आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है जो मल्टीप्लाई करके यहाँ आया वो यहाँ भी आना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ओके, टुमारो विल बी डूइंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात, इतना सा सिर्फ रिवाइज करके आना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो एवरीबडी नोट डाउन। ये नहीं सोचना कि हमने तो पहले बहुत फॉर्मूले लिखे हैं, पहले बहुत डेफिनेशन भी लिखी है, यूज भी किए हैं। दिस इज द यू नो समरी ऑफ द चैप्टर। नोट इट डाउन, देन आई एम क्लोजिंग इट। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास में, सारे सेक्शंस में, जिनको ये ना पता हो कि हम पहचान कैसे करते हैं और फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं। ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, नोट कर लो, देन आई क्लोज इट। वेरी गुड। कई बच्चे लिख रहे हैं, आई कैन सी दैम। चलो, सी यू टुमारो बेटा। प्लीज रिवाइज ओनली दिस पार्ट एंड अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है।